दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के गंडूल इलाके में लगातार तीसरे दिन भी आज शुक्रवार को ऑपरेशन जारी रहा। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान पूरी सतर्कता के साथ मैदान में डटे हुए हैं। घने जंगल और पहाड़ के बीच आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने पर ड्रोन से ग्रेनेड दागे गए हैं, बीच बीच में गोलाबारी हो रही है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ में जख्मी एक और जवान की जान चली गई है। वह मुठभेड़ के दौरान लापता बताया जा रहा था। इस इलाके में लश्कर ए तोयबा के दो दहशतगर्द घिरे हुए हैं। क्वाडकॉप्टर, ड्रोन व अन्य आधुनिक उपकरणों से आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। अभियान में पैरा कमांडो ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। घना जंगल और पहाड़ी इलाका होने के कारण इस विशेष दस्ते को उतारा गया है। इसके अलावा पहाड़ी व जहां आतंकियों का ठिकाना होने की आशंका है वहां रॉकेट भी दागे गए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने उज्जैर खान सहित लश्कर के दो आतंकवादियों को घेरा हुआ है। इस दौरान बीते दिन सुबह से देर शाम तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट न्यूज, जम्मू। Okay, sir.